नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को आज पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया है और यह सब एक पुराने मामले को लेकर हुआ है जिसमें बिहार के डीजीपी को पार्टी बनाया गया था और उन्हें अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई के दौरान सदैव कोर्ट में उपस्थित रहें। दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला है, यह पूरा मामला करीब 3 साल पुराना है और बिहार के जमुई जिले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से लोन से जुड़े हुए एक मामले में नियमों की अनदेखी करने को लेकर के डीजीपी को अब पटना हाईकोर्ट ने समन जारी करते हुए उन्हें सदैव उपस्थित होने को कहा है। दरअसल अब मानना से जुड़े हुआ यह मामला जमुई जिले का है, जिसमें चंद्रिका सिंह नाम के एक व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर की गई थी। इसमें जस्टिस पीबी बजरंथी और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की और वादी के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया है कि जमुई जिले के पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा द्वारा नियमों की अनदेखी करके लोन दिया गया और पब्लिक के धन का दुरुपयोग किया गया और यह मामला वर्ष 2018 का है। इसे लेकर के चंद्रिका सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। अधिवक्ता दीनू कुमार की माने तो वर्ष 2020 में कोर्ट के द्वारा इस मामले में आदेश पारित किया गया था, जिसमें डीजीपी बिहार और पंजाब नेशनल बैंक को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था, लेकिन करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सिर्फ जो जमुई जिले में खैरा थाना की घटना है, वहां केवल मामला दर्ज के खानापूर्ति की गई और पिछले 3 वर्षों में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की जो अगली तारीख होगी उस दिन बिहार के डीजीपी को स्वयं हाजिर होने को कहा है और अवमानना से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं आपका विरोध मानने की कार्रवाई की जाए। तो दरअसल बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, जो कि बिहार में एक ऐसे पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं जो काफ़ी कड़क हैं और जिनका इतिहास बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का रहा है, और जब उन्होंने बिहार में डीजीपी की कुर्सी संभाली तब उन्होंने पुलिस महकमे को भी पीपुल फ्रेंडली और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए अलग अलग तरीके के संदेश देने का अलग अलग समय में प्रयास किया। लेकिन स्थिति है कि जमुई जिले से जुड़े हुए इस मामले में कोर्ट ने जहां वर्ष 2020 में ही पुलिस को आदेश दिया था कि मामले में कार्रवाई करे और उसमें खैरा थाना में केवल एक मामला दर्ज करके पूरी कार्रवाई को वहीं पर शिथिल कर दिया गया और अब इसी को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को सदैव कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश देते हुए यह भी कहा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो अगली तारीख पर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी पटना हाईकोर्ट में उपस्थित होंगे और उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो यह बड़ा झटका है।